देखिए बच्चों, आज मैं कल के आगे उत्सर्जन क्रिया में जैसा कल मैंने पढ़ाया था, यकृत में यूरिया का निर्माण और आर्थमीन चक्र। जब यकृत में यूरिया बन जाती है, आर्थमीन चक्र से यूरिया का निर्माण आर्जिनेन एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन का विघटन होने से यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया तथा आर्थिन बनता है। अब होता क्या है कि जब यकृत के द्वारा बनी हुई यूरिया परिसंचरण तंत्र द्वारा, रुधिर परिसंचरण के द्वारा ब्रकों में पहुंचती है। अब ब्रकों में जहां पहुंचती है तो ब्रक की ब्रक नलिकाएं, जैसा मैंने बताया था कि ब्रक नलिका का बोमन कैप्सूल का चित्र बना है, इसके नीचे और भी है, तो ब्रक की ब्रक नलिकाओं में इसका, इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब इसका छानना होता है, और उसी को कहते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है परानिस्यंद्रण या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है चयनात्मक पुनरावशोषण या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है श्रावण। ये तीन क्रियाओं का रूप ही यूरिन इसके पश्चात